नमस्ते किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचके फार्मर में। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे नवंबर के महीने में लगाई जाने वाली 10 सब्जियों की खेती के बारे में, जिन्हें लगाकर आप नवंबर के महीने में अच्छा खासा लाभ और अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हमारी जो नवंबर महीने में लगाई जाने वाली पहली सब्जी है वो है फूल गोभी। किसान भाइयों, अगर आप नवंबर के महीने में फूल गोभी की खेती करते हैं तो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रेट और अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप भी नवंबर के महीने में फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं तो आप एडवांटा कंपनी की GS75 वैरायटी लगा सकते हैं, और साथ ही सेमनियस कंपनी की गिरजा वैरायटी लगा सकते हैं। ये दोनों वैरायटी को लगाकर आप अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, आप नवंबर के महीने में पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। अगर आप पत्ता गोभी की खेती करना चाहते हैं तो आप एडवांटा कंपनी का कृति वैरायटी लगा सकते हैं, और साथ में ही आप हाईवेज कंपनी का चर्ली वैरायटी लगा सकते हैं। आप दोनों वैरायटी लगाकर नवंबर के महीने में पत्ता गोभी की खेती से अच्छा खासा लाभ और अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, आप नवंबर के महीने में आप ब्रोकली की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, नवंबर के महीने में अगर आप ब्रोकली की खेती करते हैं तो आपको आने वाले समय में अच्छा खासा रेट मिल सकता है। अगर आप नवंबर के महीने में ब्रोकली की खेती करना चाहते हैं तो आप सकाटा कंपनी का ग्रीन मैजिक वैरायटी लगा सकते हैं, और साथ में नामधारी कंपनी का ब्रोकली वैरायटी लगा सकते हैं। ये दोनों वैरायटी लगाकर आप नवंबर के महीने में ब्रोकली की खेती करके अच्छा खासा लाभ और अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, आप नवंबर के महीने में मटर की खेती कर सकते हैं, क्योंकि मटर की खेती में कम लागत में अच्छा खासा लाभ और अच्छा खासा उत्पादन मिलता है। तो अगर किसान भाई आप मटर की खेती करना चाहते हैं तो आप एडवांटा कंपनी का GS10 वैरायटी लगा सकते हैं, और साथ में श्रीराम कंपनी का सलोनी वैरायटी लगा सकते हैं। ये दोनों वैरायटी लगाकर आप मात्र 50 से 55 दिन में अपने मटर की खेती से फल ले सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, आप नवंबर के महीने में टमाटर की खेती कर सकते हैं। अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो आप सेमनियस कंपनी की अभिलाष वैरायटी लगा सकते हैं, और साथ ही सिजेंटा कंपनी की साहू वैरायटी लगा सकते हैं। ये दोनों वैरायटियां जो हैं बहुत ही बढ़िया हैं। इन्हें लगाकर आप मात्र 50 से 55 दिन में अपने टमाटर के पौधे से अच्छा खासा फल और अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, आप नवंबर के महीने में मिर्च की खेती कर सकते हैं, क्योंकि मिर्च की खेती अगर आप नवंबर में करते हैं तो आने वाले समय में इसका रेट जो हमें देखने को मिलता है अच्छा खासा मिलता है, और हमें मिर्च की खेती में कम लागत आती है। तो अगर आप मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो माइको कंपनी की नौतेज वैरायटी लगा सकते हैं, और साथ में ही हाईवेज कंपनी की मीनम वैरायटी लगा सकते हैं। ये दोनों वैरायटी की मिर्च लगाकर आप कम समय में अच्छा खासा उत्पादन और अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, आप नवंबर के महीने में बैंगन की खेती कर सकते हैं। अगर आप बैंगन की खेती करना चाहते हैं तो VNR कंपनी का 212 वैरायटी लगा सकते हैं, और साथ में सेमनियस कंपनी की सामली वैरायटी लगा सकते हैं। ये दोनों वैरायटी लगाकर आप नवंबर के महीने में अपने बैंगन की फसल से 40 से 45 दिन में अच्छा खासा फल
और अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, आप नवंबर के महीने में गाजर की खेती कर सकते हैं, क्योंकि गाजर की खेती में किसान भाइयों कम लागत में अच्छा खासा लाभ मिलता है। तो अगर आप गाजर की खेती करना चाहते हैं तो आप सिजेंटा कंपनी की चैम्पियन वैरायटी लगा सकते हैं, और साथ ही आप कलश कंपनी की KSP 1225 वैरायटी लगा सकते हैं। ये दोनों वैरायटी लगाकर आप अपनी गाजर की फसल से अच्छा खासा लाभ और अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, आप नवंबर के महीने में मूली की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको पता ही होगा कि मूली एक महीने की फसल है, एक महीने में हमारी जो मूली की फसल होती है वो बेचने के लिए तैयार हो जाती है, और मूली की खेती में कम लागत आता है और अच्छा खासा लाभ मिलता है। अगर आप मूली की खेती करना चाहते हैं तो सिजेंटा कंपनी की आइवेरी वाइट वैरायटी लगा सकते हैं, और साथ ही आप माहिको कंपनी की माही 22 वैरायटी लगा सकते हैं। ये दोनों वैरायटी की मूली लगाकर आप 25 से 30 दिन में अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, आप नवंबर के महीने में धनिया की खेती कर सकते हैं, क्योंकि धनिया की खेती से हमें 28 से 30 दिन में ही कमाई शुरू हो जाती है। अगर आप धनिया की खेती करना चाहते हैं तो नामधारिस कंपनी का सुरभि वैरायटी लगा सकते हैं, और साथ ही ईस्ट बेस्ट कंपनी की रमेश वैरायटी लगा सकते हैं। ये दोनों वैरायटी लगाकर आप 28 से 30 दिन में अपने धनिया की फसल से अच्छा खासा लाभ और अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमने आपको जानकारी दी नवंबर महीने में लगाई जाने वाली 10 सब्जियों की खेती के बारे में। किसान भाइयों, हमने जितनी भी सब्जियों की खेती के बारे में जानकारी दिया, इनकी सभी वैरायटी पर हमने अलग से वीडियो बनाई है, हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।